हाय गाइस, दिस इज़ सैयद फ्रॉम रॉयल ग्रेनाइट एंड इंटीरियर्स बेंगलोर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर ड्रीम होम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। आज हम लोग जो ग्राउंड से सीपेज का पानी जो निकलता है उसका रिपेयर करने जा रहे हैं। ये पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है ये कॉर्नर पे, जस्ट 5 सेकेंड में 200 ml पानी तकरीबन निकल रहा है। आज हम इसको आपके सामने रिपेयर करके बताएंगे। सबसे पहले ये पानी खाली कर लेंगे, जितना हो सकता उतना पानी को खड्डे को ड्राई कर लेंगे। फिर हमारे पास एक केमिकल है जो फास्ट्रैक कंपनी का आता है, रेंडर को प्लग कहा जाता है इसको, शॉर्टकट में प्लग बोलेंगे इसको। ये एक ड्राई सीमेंट है, फास्ट सेटिंग वाला सीमेंट बेस केमिकल है, जिसको ग्लोव्स पहन के हाथ में लेके जहाँ से पानी आता रहेगा वहाँ पर डाल कर प्रेस करना है और 10 सेकेंड के लिए उसको अच्छे से दबाए रखना है। देखिए ये कॉर्नर से पानी आ रहा है तेज़ी से, एकदम साफ सुथरा पानी आ रहा है, क्योंकि ये विला के सराउंडिंग में सारा तालाब वाला एरिया है, लेक वाला, 2-3 बड़े बड़े लेक यहाँ पे थे। और हैरानी की बात यह भी है कि इस विला का नाम भी RBD स्टिल वाटर है, इसीलिए शायद इसमें अभी भी स्टिल वाटर ही है। आज हम इस वाटर को बंद करेंगे। अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम ये केमिकल यूज़ करने जा रहे हैं, टेंडर को प्लग फास्ट्रैक कंपनी का। देखिए इसको ऐसे ओपन करके हाथ में लेंगे और पानी का जो झरना है उसके मुंह पे रख के 10 सेकेंड प्रेस करके होल्ड करेंगे इसको। फिर दोबारा लेंगे, फिर दोबारा करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये पानी का लीकेज ख़त्म होगा। और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये प्लग से हम लोग ये पानी को प्लग करके थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं। फिर परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अच्छा सा बढ़िया सा कंक्रीट बना के इस खड्डे में तुरंत डाल देंगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अगर आपको भी ऐसी समस्या आती है तो इसी को फॉलो कीजिए।